Amazon का लेटेस्ट फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन और यू कैन से 2020 एडिशन जो कि है 50% मोर पावरफुल देन इट्स प्रीवियस जनरेशन। और भी बहुत कुछ आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। सो हे व्हाट्सअप पीपल, मेरा नाम है अभिनव एंड आप देख रहे हैं ट्रू टेकी एंड आज की वीडियो में आपको फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन और यू कैन से 2020 एडिशन का अनबॉक्सिंग एंड फुल डेप्थ रिव्यू देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्या अपग्रेड्स किए गए हैं इसकी प्रीवियस जनरेशन से इसके अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो इसकी प्राइसिंग है अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के ड्यूरिंग वो है 2399, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट है HDFC कार्ड होल्डर्स के लिए। साथ ही साथ एक्स्ट्रा कैशबैक यहां पे आप अर्न कर सकते हो, वो कैसे, ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको गो पैसा ऐप का लिंक दिया है, जाके वहां पे क्लिक करो, डाउनलोड करो, उसके बाद साइन अप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जाके क्लिक करोगे, साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद यहां पे माइक्रो साइट्स ओपन हो जाती हैं, अमेजोन को सेलेक्ट करो, आपको दिखाई देगा कि 6% तक का कैशबैक आप यहां से ले सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करोगे अमेजोन पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब यहां पे जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो उस पे जो डिस्काउंट ऑफर है HDFC का या जो भी वो तो है ही, लेकिन गो पैसा पे आपको अलग से कैशबैक मिलेगा जो आप 250 अबव होते ही अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है डाउनलोड का भी और साइन अप का भी, जाके डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फायर टीवी स्टिक की रैपिड अनबॉक्सिंग के साथ। बॉक्स कंटेंट सारा का सारा आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पे मिलती है आपको एक फायर टीवी स्टिक, उसके बाद एक रिमोट कंट्रोलर, फिर यहाँ पे मिलता है HDMI एक्सटेंडर, अगर आपके टीवी के पीछे स्पेस कम है तो ये काम आने वाला है। फिर मिलता है यहाँ पे पावर अडेप्टर 5 वोल्ट 1 एम्पियर का, ये भी रिकमेंडेड है कि यही अडेप्टर आपने अपनी फायर टीवी स्टिक के साथ यूज करना है। उसके बाद 2 मीटर लंबी यहाँ पे आपको USB टू माइक्रो USB केबल मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे 2 AAA बैटरी मिलती है जो कि अमेजोन की बेसिक्स बैटरी है, तो ये काफी अच्छी चीज है कि बॉक्स के अंदर आपको बैटरी भी मिल रही है। एंड एट लास्ट यहाँ पे कुछ पेपर वर्क जिसमें आपको जनरल इंस्टॉलेशन गाइड दी हुई है, लेकिन आपका भाई क्यों है यहाँ पे इसीलिए तो है वही बताते हैं। तो अपने टीवी के साथ फायर टीवी स्टिक को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले अगर टीवी के पीछे स्पेस है तो डायरेक्टली ये प्लग इन हो जाएगी, स्पेस नहीं है तो आपने HDMI एक्सटेंडर इसके साथ यूज़ करना है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपने अपने अडेप्टर और फायर टीवी स्टिक को USB टू माइक्रो USB केबल जो बॉक्स के अंदर मिली है उसके साथ कनेक्ट करना है। अब क्या करेंगे आप, सिंपल है ना, अपने टीवी के अंदर इसको प्लग इन करो और जो आपका अडेप्टर है उसको बोर्ड के अंदर लगाओ एंड प्लग एंड प्ले सीन हो गया, मतलब ये तुरंत एक्टिव हो जाती है। अब रिमोट के अंदर आपने बैटरीज डालनी है और फर्स्ट टाइम सेटअप स्टार्ट करना है जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, सारे के सारे स्टेप्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, लेकिन फटाफट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने होम बटन प्रेस करना है, आपका रिमोट आपके फायर टीवी स्टिक के साथ पेयर हो जाएगा, फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, वाईफाई कनेक्ट करोगे, उसके बाद ये आपसे पूछेगा कौन सा टीवी है भाई तेरे पास, क्योंकि इस बार का जो फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन का रिमोट है इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोलर मिल रहे हैं और पावर की मिल जा रही है, मतलब इसी रिमोट से आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर पाओगे जो सेकंड जनरेशन में नहीं था, और पावर ऑफ का भी फीचर मिल जाता है। लेकिन ये जो आपको की मिल रही है पावर एंड वॉल्यूम वाली, ये आपके टीवी के लिए, आपके फायर टीवी स्टिक में कोई वॉल्यूम कंट्रोलर नहीं है। तो आपने अपना टीवी का मॉडल सेलेक्ट करना है, उसके बाद ट्राई करना है, जैसे ही वॉल्यूम अप डाउन और पावर ऑन ऑफ वाला सीन चल जाए आपने ओके कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐप सेलेक्ट करनी है जिन ऐप्स में आप इंटरेस्टेड हो या देखना चाहते हो, और वो डाउनलोडिंग पे लग जाएंगी, और उसके बाद आप इस तरीके से अपनी होम स्क्रीन पे आ जाओगे और जितना फास्ट इंटरनेट होगा उतनी फटाफट आपकी ऐप्स डाउनलोड होने वाली है। तो मैंने सारी ऐप्स इसमें डाउनलोड कर ली है। अब इसकी थोड़ी इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं, या जो अपग्रेड आपको थर्ड जनरेशन में मिले हैं वो क्या है। सबसे पहले ये कि 50% फास्ट है HD कॉन्टेंट को स्ट्रीम करने में सेकेंड जनरेशन के मुकाबले। उसके बाद 50% लेस पावर कंजप्शन है, वैसे तो इतनी बड़ी चीज़ ये नहीं है, लेकिन फिर भी 50% लेस पावर ये कंज्यूम करने वाली है सेकंड जनरेशन के मुकाबले। ये एक फुल HD यानी कि 1080p स्ट्रीमिंग डिवाइस है, लेकिन थर्ड जनरेशन में आपको HDR, HDR10 एंड HLG का सपोर्ट मिल जाता है, जिसके बाद जो पिक्चर एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और अल्ट्रा स्मूथ हो जाता है। थर्ड जनरेशन फायर टीवी स्टिक के साथ आपको एलेक्सा वॉइस कंट्रोलर रिमोट मिलता है जो कि आपको सेकंड जनरेशन के साथ भी मिलता था, लेकिन इस बार इसमें आपको टीवी को कंट्रोल करने के लिए पावर प्लस वॉल्यूम कंट्रोलर की दी गई है, यानी कि एक ही रिमोट आपका फायर टीवी स्टिक और टीवी पे काम करने वाला है। थर्ड जनरेशन फायर टीवी स्टिक का जो सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर मुझे लगा है वो है डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट। यस, जो लोग म्यूजिक लवर है या फिर ऑडियो लवर है, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस उनको ऑडियो का चाहिए, वो इस बार आपको अमेजोन के थर्ड जनरेशन फायर टीवी स्टिक में देखने को मिलेगा। हार्डवेयर की बात करें तो इसमें आपको 1GB रैम के साथ 8GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, और आपके दिमाग में अब आया होगा कि यार 1GB रैम पे अच्छा एक्सपीरियंस शायद ना मिले, तो 1GB रैम के साथ जितना स्मूथ एक्सपीरियंस इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है, आपके पास कितना ही महंगा एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है 4GB 6GB रैम के साथ या कितना ही बेहतरीन स्मार्ट टीवी है, उसमें भी इतना बेहतरीन या स्मूथ एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलने वाला। रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है, आप देख रहे हो मैं की प्रेस कर रहा हूँ
और जो आइकन्स हैं या फिर जो थंबनेल आप देख रहे हो वो कितने स्मूथली स्विच हो रहे हैं। तो ये चीज़ फायर टीवी स्टिक की सबसे बेहतरीन मुझे लगती है कि जिस तरीके का स्मूथ और लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको फायर टीवी स्टिक पे मिलता है अभी तक किसी भी एंड्रॉयड टीवी बॉक्स या फिर स्मार्ट टीवी पे नहीं मिलता। और इसके साथ आपको ब्लूटूथ 4.1 का सपोर्ट मिलता है जिसके साथ आपका ये रिमोट पेयर है। साथ ही साथ यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एसेसरीज इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो जैसे कि होम थिएटर, वायरलेस हेडफोन या फिर कोई आपके पास ब्लूटूथ कीबोर्ड या माउस है वो भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन की जो ऐप कंपेटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड्रॉयड APK सपोर्ट करता है, साइड लोडिंग भी आप कर सकते हो, मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले प्राइम वीडियो को ओपन करते हैं और जो ऐप्स को ओपन करने का टाइम है वो क्विक एंड फास्ट है। मतलब आपने देखा कि कितनी जल्दी से ओपन हो गया। अब यहाँ पे मिर्जापुर का एपिसोड 0 प्ले करते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि कितनी मैक्सिमम क्वालिटी है आपको शो करता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे HD क्वालिटी मिल रही है। तो 1080p अगर आपके पास कोई TV है यानी कि फुल HD या HD भी है जिसमें आपको HDMI पोर्ट मिल रहा है तो ये फायर टीवी स्टिक उस पर एकदम ज़बरदस्त तरीके का काम करेगी। बस एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन आपके घर में होना चाहिए और उसके बाद हर तरीके का कॉन्टेंट आप इन्जॉय कर सकते हो। अब चलते हैं अपने फेवरेट ऐप YouTube पर, क्योंकि आपके भाई का चैनल भी YouTube पे ही है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। तो यहाँ पे बात करें YouTube की तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। कोई लैग्स आपको यहाँ नहीं मिलते, एकदम स्मूथ टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है। कोई भी वीडियो प्ले करके देखते हैं और वीडियो फटाक से प्ले हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 1GB जो रैम मिल रही है वो रैम मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त है फायर टीवी स्टिक का कि आपको लैग तो भूल ही जाओ, मतलब कहीं नहीं मिलने वाले। इवन जो एक्सपीरियंस है वो बहुत प्यारा होने वाला है। मैंने आपसे कहा था कि फायर टीवी स्टिक पर आप ऐप्स की साइड लोडिंग कर सकते हो, तो वो कैसे? ऐसे, सबसे पहले आपने अपने फोन पे कैटस प्ले डाउनलोड करना है, सेम वाईफाई कनेक्शन पे अपने फायर टीवी स्टिक और फोन को कनेक्ट करना है। जैसे ही कैटस प्ले को ओपन करोगे यहाँ पे ये शो करेगा कि आपका फायर टीवी स्टिक कनेक्टेड है। टैप करने के बाद आपकी स्क्रीन पे एक पॉपअप आएगा कि आपके फायर टीवी स्टिक पे भी कैटस प्ले डाउनलोड करना होगा। ओके करोगे डाउनलोड हो जाएगा, दोनों पेयर हो जाएंगे। पेयर होने के बाद कैटस प्ले में एक ऑप्शन मिलता है आपको प्ले ऑन TV। जैसे इस पर टैप करोगे यहाँ पे फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन आएगा, इसमें टैप करने के बाद सारी एप्लीकेशन आपके सामने शो हो जाएंगी। मैंने थोप TV इंस्टॉल किया है और थोप TV इसमें किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हो या थोड़ी कड़की है तो फ्री लाइव TV कॉन्टेंट डेफिनेटली आप इसके साथ देख सकते हो। सारे के सारे चैनल आपके सामने और डेमो पर्पज के लिए G Cinema HD को प्ले करके देखते हैं और नेट फास्ट होना चाहिए, आपको एकदम ज़बरदस्त टाइप की क्वालिटी मिलती है। दूसरे एंगल से मैं आपको शो कर रहा हूँ कि फुल HD तो मतलब फुल HD, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है और इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस मिल रहा है, तो ये समझो कि होम थिएटर एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। शहर का सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर आपकी मदद कर रहा है मिस्टर योहान। अगर आप सस्पेंड ना हुए होते तो इस नेक काम के लिए आपको एक और मेडल मिल जाता। तुमने न्यास को पकड़ा था ना, तो क्वालिटी का आपको पता चल गया होगा कि एकदम शार्प क्रिस्टल क्लियर ऑडियो क्वालिटी आपको फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन पे मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट इसके अंदर है। अब अगर बाकी एप्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स, Amazon म्यूजिक, ALT बालाजी या फिर Z5 सावन, सारी ऐप्स यहाँ पे देख सकते हो। इवन Apple TV तक का सपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है और यहाँ पे काफी सारे फ्री लाइव TV ऐप्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी ऐप्स आप इस पे यूज करना चाहो डेफिनेटली कर सकते हो। अब अगर डिस्प्ले मिररिंग यानी कि स्क्रीन कास्ट फीचर की बात करें तो वो भी इसके अंदर मिलता है। ट्राई करते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। जस्ट आपने यहाँ पे इसको इनेबल करना है, अपने फोन पे स्क्रीन कास्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे जो आपका डिवाइस है वो शो हो जाएगा अभिनव फायर टीवी स्टिक के नाम से। जस्ट आपने सेलेक्ट करना है और जो आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन है वो मिरर हो जाएगी आपकी फायर टीवी स्टिक पे। एंड अगेन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपीरियंस आपको स्क्रीन मिररिंग का फायर टीवी स्टिक पे मिल रहा है वो गूगल क्रोम कास्ट से भी ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे जिस चीज़ का आप सभी को इंतजार था यानी कि जो एलेक्सा की स्किल्स है उसको इसके साथ ट्राई करते हैं। सबसे पहले अपने नाम के साथ ट्राई करते हैं, सर्च ट्रू टैकी। गेटिंग दैट फ्रॉम YouTube। थोड़ा जोर देना पड़ता है, टैकी। एलेक्सा प्ले म्यूजिक ऑन YouTube। गेटिंग दैट फ्रॉम YouTube। ओके, तो ये गाने भी प्ले कर सकता है, दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। मुझे लग रहा था कि खाली सर्च पे रह जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि प्ले करो। एलेक्सा व्हाट्स द वेदर टुडे? करंटली इन मोहाली पंजाब इट्स 30 डिग्री सेल्सियस विद क्लियर स्काइज एंड सन। तो जो एलेक्सा की स्किल्स है वो काफी काम आने वाली है क्योंकि कीबोर्ड अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप वॉइस सर्च की हेल्प से बड़ी बड़ी सर्च टर्म इजिली इस पे ढूंढ सकते हो। फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन की जो प्राइस है वो है 2399 ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के ड्यूरिंग, और इसके बाद अगर आप इसको परचेज करोगे तो प्राइसिंग मुझे नहीं पता 3000 से 3500 के आसपास होगी, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा पिंड कमेंट के अंदर। बाकी गो पैसा का कैशबैक भी आप इस पे ले सकते हो अगर इसको परचेज करने का आप सोच रहे हो। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में
कोई डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी है, तो इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा है, किस लिए आप जाके फॉलो करो भाई को, डीएम करो, या जो पोस्ट वहाँ पे है उन पे कमेंट करके पूछो, मैं आपकी हर क्वेरी का आंसर करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मैंने करता, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।